हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो इस बात को लेकर के है कि किस प्रकार से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एक ऐसा रिजल्ट का सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें अगर मान लीजिए आप यूनिट टेस्ट 1 लेते हैं और उसमें नंबर फीडिंग कर देते हैं तो यूनिट टेस्ट 1 का पूरा डिटेल यानी किसका कितना मार्क्स रहा वो बताएगा ये सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगर आप यूनिट टेस्ट 2 लेते हैं तो उसका भी मार्क्स आप वहीं पे देख पाएंगे, यानी यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाफ ईयरली एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम का पैटर्न है वो सारे एग्जाम्स का डिटेल एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेवलप करना है। आइए देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन करना है, तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ओपन कर रहा हूं। ये एक्सेस का 2021 है, आप पुराने वर्जन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे और जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाते हैं तो ये आपको नजर आएगा। आप चाहे तो यहां से नाम चेंज कर सकते हैं, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन तो सेम रहेगी लेकिन आप नाम चेंज कर सकते हैं। डेटाबेस 256 आ रहा है, इसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन चलिए फिलहाल हम यही रखते हैं और क्लिक कर देते हैं। तो ये सिनेरियो आ जाता है। अब आपको करना क्या है, यहां से व्यू पे जाना है और यहां से जाना है डिजाइन व्यू पर। जैसे डिजाइन व्यू पे जाते हैं तो यहां पर स्टूडेंट की डिटेल के लिए एक टेबल बना रहे हैं, तो यहां पर कर दिया स्टूडेंट ई, ठीक है। और यहां पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, तो पहले रजिस्ट्रेशन होता है तब जाकर के फिर आप जो है एडमिशन लेते हैं, तो पहले तो रजिस्ट्रेशन करेंगे हम, ठीक है। तो ये कर दिया रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। तो आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी दी जाएगी और जब आप एडमिशन लेंगे तो उसका डेटा टाइप मैंने शॉर्ट टेक्स्ट रखा हुआ है। और यहाँ पे कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, तो नेम अंडरस्कोर लगा के लिखता हूँ, ठीक है। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आएगा, तो ये हो गया। आप यहाँ से व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से यस कर दीजिए, तो ये आपका एक टेबल बन करके तैयार होगा और इसमें आप डिटेल भी फिल करनी है हमें। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी है B001 और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है रितेश, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं B002 हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है सुमित। फिर इसी तरीके से B003 हो गया और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम है रीता, ठीक है। और इसी तरीके से B004 हो गया और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है मोनू, ठीक है। इसी तरीके से B005 हो गया और स्टूडेंट का नाम है रितिका, ठीक है। तो ये कुछ नाम हमने डाल दिए हैं। अब यहां पर इसको सेव करके और क्लोज करना है। क्लोज जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट डी नाम की टेबल आपको दिख रही है। अब जरा ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर डेटा टाइप रजिस्ट्रेशन आईडी का शॉर्ट टेक्स्ट लिया गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर यूनिट टेस्ट 1 वाली टेबल बनानी है, लेकिन उससे भी पहले रोल नंबर देंगे इनको, रोल नंबर तो अलॉट करेंगे ना, तो टेबल पर क्लिक करके फिर यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब हम यूनिट टेस्ट 1 कर देते हैं, इस नाम से टेबल बनाते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर इस बार रोल नंबर को हम प्राइमरी की बनाएंगे, ये प्राइमरी की है, तो यहां पे कर दिया रोल नंबर और रोल नंबर का डेटा टाइप हमने रखा है ऑटो नंबर। और यहां पे कर देते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी, जो वहां पे दिया था ना सेम वही चीज यहां पे भी देनी है, ठीक है। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन और अंडरस्कोर लिख के आईडी, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन आईडी। और यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी का डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट था, तो वही देना है आपको, ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट की बात है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट आप चाहे तो अगले टेबल से फेच करा सकते हैं या यहां पर भी दे सकते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन चलिए फिलहाल यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पे मार्क्स की डिटेल एंटर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पे कंप्यूटर का मार्क्स हो गया, ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर पहला सब्जेक्ट। फिर यहां पे दूसरा सब्जेक्ट आएगा तो वो मैथ्स हो गया और यहां पे तीसरा सब्जेक्ट आएगा तो यहां पे साइंस SCIENCE। और फिर साइंस देने के बाद यहां पर अगला सब्जेक्ट आएगा तो SST कर देते हैं, तो ये SST हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से चार सब्जेक्ट हो गए हैं यहाँ पर। पांचवा सब्जेक्ट भी यहाँ पे डाल देते हैं हम, यहाँ पे कर देता हूं मैं इंग्लिश, तो ये हो गया पांचवा सब्जेक्ट। तो ये पांच सब्जेक्ट हो गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन पांच सब्जेक्ट का यूनिट टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। और यूनिट टेस्ट जब करवाएंगे तो इसीलिए मैंने इसे नाम दिया यूनिट टेस्ट 1 टेबल, ठीक है। और यहाँ पर जितनी बार भी सब्जेक्ट के नाम आए हैं तो वहां पर आपको नंबर ही डेटा टाइप रखना है, क्योंकि अगर आप नंबर डेटा टाइप नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर डेटा टाइप रखते हुए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे कर देता हूँ टोटल और यहाँ पे कर देता हूँ मार्क्स MARKS, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक डेटा टाइप आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड, तो कैलकुलेटेड का इस्तेमाल कीजिए और यहाँ पर काम करिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पर सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर। सब्जेक्ट का क्रम इधर उधर हो सकता है लेकिन स्पेलिंग आपको सेम रखनी है, प्लस लगाइए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए। ये स्क्वायर ब्रैकेट ही बनाना जरूरी है, ये चीज याद रखिएगा, बिना स्क्वायर ब्रैकेट के आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे साइंस करिए, SCIENCE साइंस हो गया। फिर यहाँ प्लस का निशान लगाइए। अच्छा, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जो चीज कैपिटल में लिखी हुई है उसको कैपिटल ही लिखना है, नहीं तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इस दशा में भी, ठीक है।
तो यहां पर साइंस हो गया, फिर एसएसटी की बात है तो एसएसटी कर दिया, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर इंग्लिश करेंगे तो यहां पे इंग्लिश कर दिया। यह चीज ध्यान रखिएगा कि गैप मत दीजिएगा लिखते समय, ठीक है, और यहां पर ओके कर दीजिएगा। इसके बाद हम यहां पर एवरेज इनका कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज यानी यहां पर एवरेज का, एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है यहां पर, तो क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, यहां पर वापस से कैलकुलेटेड डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हैं, तो हम यहां पर टोटल मार्क्स जो हमारा आया है उसी को, उसी के बेस पर हम एवरेज निकालेंगे। तो ये टोटल मार्क्स हो गया, और टोटल मार्क्स को अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि पांच ही सब्जेक्ट की तो बात हो रही है, तो यहां ये एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब एवरेज निकालने के बाद कुछ और भी करना चाहे, मैक्सिमम मिनिमम तो सारी चीजें निकाली जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम यही रखते हैं और यहां से जाकर के यस कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की टेबल बनती हुई आपको नजर आएगी। अब ये यूनिट टेस्ट 1 वाली टेबल है, यहां पे रोल नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता जाएगा जैसे आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें स्टूडेंट डी वाली टेबल ओपन करनी होगी ताकि हम यहां से भी देख सकें कि यहां पे B001 से शुरू है, तो यहां पर B001 ही रखेंगे हम। ये लिखा B001, ठीक है, तो B001 और फिर यहां पे B002 ऐसे करके हमने 5 तक दिया था, तो ये B002 हो गया, फिर यहां पे B003 हो गया, फिर यहां पे B004 हो गया, ये चीज तो आपको देनी होगी, और फिर यहां पे B005 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पे मार्क्स एंटर करने हैं, तो जैसे सपोज कीजिए जो भी मार्क्स दिए गए होंगे, अब मान लीजिए ये मार्क्स जो है आउट ऑफ 100 रहे होंगे, तो आउट ऑफ 100 किसी को 45 मिला, मैथ्स में किसी को 55 मिला, फिर यहां पे इंग्लिश में, साइंस में आपको मिला 46, इसी तरीके से एसएसटी में मिला इस तरीके से, ठीक है। तो आपको जो भी मार्क्स आपने दिया हो वो यहां पे एंटर करते जाइए, और आप देखेंगे कि मार्क्स के एंटर करते ही यहां पर टोटल मार्क्स आपको दिखाई पड़ने लगेगा, और टोटल मार्क्स के साथ एवरेज भी दिखाई पड़ने लगेगा। तो ये फायदा, यहां पे हमने कोई क्वेरी तो नहीं बनाया, ठीक है, बिना क्वेरी बनाए ये काम कर रहा हूं, और तो भी यहां पर ये सारी चीजें कैलकुलेट होती हुई नजर आ रही है। देखिए यहां पर भी आ गया, फिर यहां पर करते हैं तो यहां पर भी करके दिखा देता हूं, तो ये कुछ इस तरीके से यहां पर देख सकते हैं, ये हो गया, तो ये देखिए यहां पर ये आ गया। फिर इसी तरीके से यहां पर भी फिल करना होगा रिकॉर्ड, तो यहां पर भी फिल कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, तो यहां पर रिकॉर्ड हमने फिल कर लिया। अब यहां पर आते हैं, लास्ट वाला रिकॉर्ड भी फिल कर लेते हैं, 77, 88, 67, यहां पे 88, फिर यहां पे 76, तो ये देखिए यहां पर सारे रिकॉर्ड फिल हो गए। अब इसको यहां से क्लोज करेंगे सेव करके, ये दो टेबल्स हमारे पास बन गए। लेकिन अब इन दो टेबल्स को हमने बना तो लिया, लेकिन यूनिट टेस्ट थर्ड होगा तो उसमें भी कुछ कहानी ऐसी ही आएगी। तो यहां पर यूनिट टेस्ट थर्ड के लिए हम जाएंगे और यहां टेबल पे जाएंगे, फिर यहां से आएंगे। अब यहां पे कर देता हूं यूनिट टेस्ट थर्ड, ठीक है, या यूनिट टेस्ट सेकेंड, यूनिट टेस्ट सेकेंड करेंगे क्योंकि थर्ड तो अभी किया नहीं, तो यहां पर यूनिट टेस्ट सेकेंड कर देते हैं, ये कर दिया और यहां से ओके किया। तो अभी आप देखेंगे यहां पर ये आ रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। अब देखिए यहां पर जो है आपको एक काम करना है, जो ये यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाली जो टेबल आपको दिख रही है इसमें एक काम और आपको करना होगा। क्या करना होगा, यहां पर एक आपको यहां पे मेंशन करना है स्कॉलर आईडी। क्या मेंशन करना है, स्कॉलर आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यहां पे स्कॉलर आईडी मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, और इसका डेटा टाइप मैं क्या रख रहा हूं, शॉर्ट टेक्स्ट रख रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ओके कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर स्कॉलर आईडी का फील्ड अभी भरा नहीं गया है, तो इसे हम भर लेते हैं, स्कॉलर आईडी SC001, ये स्कॉलर आईडी है इस स्टूडेंट की जिनका की B001 रजिस्ट्रेशन नंबर है और रोल नंबर क्या है, सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट है। और यहां पर देखिए इनका जो है SC002 हो जाएगा, फिर इसी क्रम में चलते चले जाएंगे, ठीक है, और ये कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप चाहे तो स्मॉल भी कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल करेंगे तो सब स्मॉल ही के सीक्वेंस में चलेगा। यहां पर 3 कर दिया, फिर यहां पर आप 4 करेंगे SC004, ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे SC005। तो ये इस तरीके से हो गया। आप देखिए यूनिट टेस्ट फर्स्ट हो गया और ये यूनिट टेस्ट सेकंड बना रहा हूं मैं। तो अभी यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको करना है स्कॉलर आईडी, ठीक है, आप यहां पे कर सकते हैं स्कॉलर आईडी। तो स्कॉलर आईडी को इसमें क्या बना रहा हूं मैं, इसमें मैं बना रहा हूं प्राइमरी की, ठीक है, और यहां पे सेम चीज पड़ेगी, ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्कॉलर आईडी यहां पे डालते हैं तो यहां पे सेम वही स्कॉलर आईडी आएगी जो वहां पे थी। अब यहां पे यूनिट टेस्ट सेकेंड वाली चीजें आएंगी, ठीक है, यूनिट टेस्ट सेकेंड वाली चीजें आएंगी क्योंकि फर्स्ट तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इस बार हम रोल नंबर यहां पे फॉरेन की के तौर पे लेने वाले हैं। तो यहां पे हम रोल नंबर ले लेते हैं, एक फील्ड यहां पे कर दिया रोल अंडरस्कोर नंबर। हर बार एक यूनिक फील्ड का होना जरूरी है,
और यहां पे इसका डेटा टाइप रखेंगे नंबर। और अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर यूनिट टेस्ट जो अगला वाला है सेकंड वाला उसकी डिटेल आएगी, कंप्यूटर हो गया, फिर दूसरा सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। सब्जेक्ट का क्रम आप इधर-उधर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहां पे हो गया मैथ्स, यहां पे हो गया साइंस एससीआई ईएनसीई, यहां पे हो गया एसएसटी, ठीक है। तो ये एसएसटी भी कर दिया हमने, तो यहां पे कुल कितने सब्जेक्ट हुए, 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इनका भी टोटल हमें करना है, तो यहां पे टोटल मार्क्स, टोटल नंबर कर देते हैं, इसमें टोटल नंबर कर देते हैं एनयूएम बीईआर, तो ये हो गया टोटल नंबर। और टोटल नंबर का डेटा टाइप तो आप यहां पर एक-एक करके मार्क्स जो सब्जेक्ट का नाम है वो लेंगे हम, तो कंप्यूटर हो गया प्लस करेंगे, फिर इंग्लिश हो जाएगा ENGLISH, फिर प्लस करेंगे और फिर यहां पे मैथ्स हो जाएगा MATHS, मैथ्स हो गया, फिर प्लस करेंगे, फिर यहां पे साइंस हो जाएगा SCIENCE साइंस, फिर यहां प्लस करेंगे और फिर यहां पे SST हो जाएगा, तो ये हो गया SST इस तरीके से, और बंद करेंगे इसे। तो ये देखिए कुल मिला के 5 सब्जेक्ट हो गए, और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन क्लोज दोनों रखेंगे और यहां पे इस तरीके से ये जाएंगे। यहां पर ये करके और अब आप यहां पर एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहां पे एवरेज भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो ये एवरेज कर दिया, इसको मैंने हटा दिया था, फिर वापस से एवरेज आता हूं और फिर यहां पर कैलकुलेटेड डेटा टाइप का ही इस्तेमाल करना है हमें, तो ये आ गए। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर है ना, तो यहां पे टोटल नंबर कर देते हैं अंडरस्कोर लगा के, और टोटल नंबर करके और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, बस काम हो जाएगा। यहां से अब ओके करेंगे और यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखिए ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें आप जो सेकंड है उसका जो है नेम मेंशन कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पे स्कॉलर आईडी लेकिन सेम रहेगी, ठीक है, स्कॉलर आईडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहां पर क्या करना है, स्कॉलर आईडी को सेम रखना है, यानी यूनिट टेस्ट फर्स्ट वाला जो स्कॉलर आईडी है वही हमें देना है, यानी SC001 ही आपको देना है। तो यहां पर हम दे देते हैं SC001, तो चलिए आइए यहां पर आते हैं और यहां पर आप स्कॉलर आईडी देना शुरू करते हैं SC001, रोल नंबर तो 1 ही रहेगा, फिर यहां पे कंप्यूटर के मार्क्स आएंगे, फिर यहां पर जो भी मार्क्स हैं उनकी डिटेल डालते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइएगा, ये हो गया। और यहां पे SC002 और यहां पे 2 करिए और यहां पर 55 हो गया और यहां पर 44 हो गया, 35 हो गया, 77 हो गया, 56 हो गया, इस तरीके से ये मार्क्स आपने एंटर कर दिए। SC003 करिए और यहां पर 3 कर दीजिए और फिर यहां पर आपको क्या करना है, 55, 88, इस तरीके से मार्क्स आप डालते चले जाइए, ठीक है। जो भी मार्क्स मिले हो वो मार्क्स आप एंटर कर दीजिएगा, ये टोटल अपने आप करेगा और एवरेज अपने आप कैलकुलेट करके देता जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर SC004 करना है आपको, तो यहां पे SC004 कर दिया और यहां पर रोल नंबर 4 रहेगा, यहां पे मार्क्स आएंगे, तो ये इस तरीके से मार्क्स आप एंटर करिए, ये देखिए, और यहां पर टोटल भी होता चला जाएगा, ठीक है। फिर यहां पे SC005 हो जाएगा और यहां पर रोल नंबर 5 होगा और फिर यहां पर मार्क्स जो हैं वो जो आए हैं उनको देते चले जाइएगा, तो आपका काम होता चला जाएगा और आप देखेंगे कि ये जो है इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहां पर इसको क्लोज करना है, क्लोज करने से पहले सेव कर लीजिएगा और सेव करके यहां से यस कर दीजिएगा, तो आपके पास 3 टेबल हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि एक साथ ये दिखेगा कैसे, दिखेगा कैसे, ये सवाल ये उठता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सीधा जाना है डेटाबेस टूल्स पर और यहां से जाइएगा रिलेशनशिप पर। तो रिलेशनशिप पे जैसे ही जाइएगा तो तीनों टेबल्स नजर आएंगे, तो पहला टेबल हमारा इसको ड्रैग करके यहां लाइए, फिर ये दूसरा टेबल ड्रैग करके यहां लाइए, फिर तीसरा टेबल ड्रैग करके यहां लाइए। तीनों टेबल आप लेके जब आएंगे तो इसमें आपको यहां पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी, तो इस रजिस्ट्रेशन आईडी को यहां पे लाके रखिएगा और यहां पर इन पे टिक कर दीजिएगा तीनों पे, तो ये वन टू मेनी रिलेशनशिप यहां बिल्ड हो जाएगी। अब क्या करना है, अब जो ये रोल नंबर दिख रहा है ना या जो ये स्कॉलर आईडी दिख रही है ना, इस ये रोल नंबर का रिलेशनशिप इस रोल नंबर से होना चाहिए, तो ये वाला जो रोल नंबर है इसको ठीक लाके यहां पे रख दीजिए और फिर यहां पर आप देखेंगे ये रोल नंबर का रिलेशनशिप रोल नंबर से क्रिएट हो जाएगा। अब फायदा क्या है इसका कि जब भी आप स्टूडेंट यानी पहले वाले टेबल पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और नेम ऑफ स्टूडेंट मिलता है, यानी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर यूनिट टेस्ट 1 वाला पूरा रिकॉर्ड आपको दिख जाता है, यानी एक ही जगह पर आपको सारी चीजें नजर आएंगी। और यहां पर प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये यूनिट टेस्ट 2 वाला है, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको यहां पर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, एक साथ सारी डिटेल्स आपको नजर आ जाएंगी।
अगर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे यानी आप रिलेशनल डेटाबेस बनाएंगे तो, और इसको बड़े पैमाने पे किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि इसका क्या बेनिफिट है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।